Hello everyone, welcome to Abhimanu IAS. I am Sarthak, senior faculty at Abhimanu IAS, and I also welcome you to our new initiative for your HCS prelims exam, which is अभ्यास 2.0. ये वाला जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, ये आपकी HCS prelims की जर्नी को ईजी करने के लिए स्टार्ट किया है, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटिंग टू योर HCS प्रीलिम्स एग्जाम. सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करे जाएंगे यहाँ पर, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं अपने, राइट, उनको डिस्कस किया जाएगा. बिकॉज वी ऑल नो एचसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो है अपना वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा. सो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंगली ही ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं, राइट. सारे के जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो ऑन टू द इम्पॉर्टेंट MCQs, राइट. एंड ये इनिशिएटिव आपका जब तक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता हम तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट. वी विल बी डूइंग दिस टिल द लास्ट डे. सो वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग अस, राइट. जो भी आपके डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं, वहाँ पे लिख के दे सकते हैं हमें, राइट. और आप हमें सपोर्ट नंबर पे कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं, और जिस भी मर्जी में आपको वे में हमसे जुड़ना है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो. आज अपना टॉपिक है पॉलिटी. आज हम पॉलिटी को देखेंगे, और पॉलिटी से रिलेटेड जो अपने लास्ट अपनी HCS 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, राइट, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे आज उनको कवर करेंगे. और हम एक ये चीज़ भी देखने की ट्राई करेंगे कि अपने प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं पॉलिटी के जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड सेक्शंस हैं, कहाँ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहाँ से ROI ज़्यादा मिलेगा आपको, राइट. कि कौन से मतलब जहाँ से पढ़ के आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, उन चीज़ों को समझने की ट्राई करेंगे. तो मैं आपको सीधा स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू मी जितना मेरा एनालिसिस है एग्जाम्स का, राइट, एंड ट्रस्ट मी काफ़ी इतना एक्सपीरियंस है कि आई कैन डेफिनेटली एनालाइज दीज थिंग्स. तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए आपको एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न. पहले थोड़ा सा एक बार उसके बारे में देखते हैं. इफ़ यू आस्क मी, पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है कि क्या पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी ज़रूरी है, तो आंसर है क्लियर कट नो. आपको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ के जानी ज़रूरी नहीं है. उसके कुछ सेक्शंस हैं डेफिनेटली, और वो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मीकांत में है, वो आपको काफ़ी सारी बुक्स के अंदर और भी मिल जाएंगे. इनफैक्ट NCERTs में भी मिल जाते हैं वो सब कुछ. बट स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अब आप कहाँ से प्रिपेयर करना चाहते हो, इट्स अप योर, ये आपकी कॉल है, राइट. कि आपको लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर करना है, कहीं से प्रिपेयर करना है, बट द टॉपिक्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट आर फर्स्ट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, लाइक इस साल भी कमेटी का क्वेश्चन आया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कितने मेंबर्स थे, क्या कमेटी थी, जो भी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, राइट. सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको. सेकेंड डेफिनेटली बेसिक स्ट्रक्चर. इससे तो बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट. बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी just a sec, yes, basic structure of constitution. इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है आई गेस, राइट. देन फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ये, तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ से आपको करने की ज़रूरत है अच्छे से, इसको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, राइट. देन फोर्थ DPSP, ये तो बहुत जनरल से टॉपिक्स हैं, इनको आप एनी हाउ वैसे भी प्रिपेयर करते ही है. देन फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट. सिक्स्थ पार्लियामेंट. इफ़ यू आस्क मी तो आपकी स्टार्टिंग पार्लियामेंट से होनी चाहिए हमेशा. जब भी पॉलिटिक्स स्टार्ट करो स्टार्टिंग पार्लियामेंट से होनी चाहिए. यहाँ से आपको डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन तो हर बार मिलने ही मिलने, सबसे पहले इसको स्टार्ट करना चाहिए, राइट. देन इसके बाद एमरजेंसी. एमरजेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके अंदर पंचायती राज आ जाएगा अपना, राइट, PRI, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना. और इसके अलावा जो एक मिसलेनस टॉपिक्स में मैं कह सकता हूँ, बट मिसलेनस नहीं, बेसिकली वो आपका सिलेबस ही है, पॉलिटी का सिलेबस ही है, ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स. इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स. सो बेसिकली ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है. इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, राइट, बट सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग जो होनी चाहिए ना पॉलिटी का जो मेजर पार्ट है आपका वो यही वाले सारे टॉपिक्स है जहाँ से बहुत ज़्यादा रिकरिंग, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बाय HCS, राइट। और ये चीज़ें आप अगर आप खुद भी एनालाइज करना चाहोगे, प्रीवियस पेपर को उठा के आप एनालाइज करोगे तो यू ऑल्सो विल रियलाइज दिस थिंग कि येस दीज आर द एक्चुअली द टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चन आर कमिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। So let me show you now with the previous year questions. See, this is our initiative. So let's start it. Okay, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी recently जो एग्जाम हुआ था अपने HCS का, वहाँ से सारे क्वेश्चन आज करेंगे, पहले उनको कवर करेंगे। So according to the Article 356, government could declare a state of emergency on grounds of external threats only. See, previous year question में आपको एक चीज़ और पॉइंट आउट कराना चाहूँगा। इस बार जो क्वेश्चन है ना, आएंगे इन ऑप्शन पे भी, बट अगर आप यहाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन है इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट पे बहुत खेला उन्होंने, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करी, इनकरेक्ट को बोल्ड हाईलाइट नहीं करा उन्होंने। तो ये कई सारे क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा बार इस बच्चों के साथ हुआ कि उनको क्वेश्चन आता था बट उनको ये करेक्ट और इनकरेक्ट के चक्कर में गलत ऑप्शन मार्क करके आ गए। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखेंगे, राइट। इसको दोबारा भी मैं आपके नोटिस में लेके आऊँगा, बट स्टार्टिंग में लेके आना चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक पिछले दो एग्जाम से हम देख रहे हैं HCS के वो ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। तो करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा, पहले इस पर जरूर ध्यान देना हमेशा, राइट। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट ओनली, राइट। हमसे करेक्ट पूछा है तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है। सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट के ऊपर नहीं होती, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे भी, राइट, कर दिया जाए। इंटरनल डिस्टर्बेंस बेसिकली आर्म्ड रिबेलियन है जो अपनी इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के अमेंड करके आर्म्ड रिबेलियन उस केस पे भी लग सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली क्या होगी, इनकरेक्ट। तो अगर जैसी पहली स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट मिलेगी, अगर आप ऑप्शंस पे जाओ तो डेफिनेटली आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, सी या फिर डी, और ऑब्वियसली ऑप्शन ई तो है ही बट एज फार एज नाउ। तो लेट्स सी, वंस एन एमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रिमेन्स प्रैक्टिकली सस्पेंडेड एंड ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यस, यही होता है। जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है फेडरल सिस्टम क्या बनता है, यूनिटरी बन जाता है, राइट, एक सिंगल उसके हाथ में आ जाता है। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर जैसे ही आप इस पर आओगे तो ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा, आंसर तो आपको सी मिल जाएगा, बट फिर भी अगर देख लेते हैं The 42nd amendment was also passed during the emergency. Yes, this is correct. 1976 42nd amendment कब आया था, 1976, right? और emergency कब से कब तक थी, 75 से लेके 78 तक रही थी, right? 3 साल तक चली थी। Okay. Among the various changes made by 42nd amendment, one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 7 years. No, this is wrong. 5 to 6 years. 5 से कितने साल कर दिया था, 6 साल तक कर दिया था, 1 साल बढ़ाई थी, राइट। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी। तो यहाँ से पता लगता है इमरजेंसी टॉपिक, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इमरजेंसी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चन भी घुसा दिए बीच में, बट सी इस क्वेश्चन को देख के एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डरना नहीं है आपको। मान लो एक या दो स्टेटमेंट भी पता है तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। कई बार ऑप्शन की हेल्प से हो जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को सेट भी इसी तरीके से किया होता है कि कहीं ना कहीं आपको डराने की ट्राई करेंगे वो, कि आपको चीज़ें पढ़ी हुई भी ना गलत हो जाए। तो आपको डरना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है, सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, राइट। लॉजिकली चीज़ों को अप्लाई करना है, रैशनली चीज़ों को अप्लाई करना है काम माइंड के साथ, तो डेफिनेटली कई चीज़ें डन हो जाएंगी, चीज़ें हो जाती हैं। एज आपको इसी क्वेश्चन में यही चीज़ दिखाई है मैंने। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सही दिख रहे हैं आपको, काफ़ी रिकरिंग टॉपिक्स हैं सारे। अब सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ पे देखना चाहिए, सी हेयर यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, गिवन अबव इज इनकरेक्ट। बहुत ही इजी नेगलेक्ट हो सकती है ये चीज़, बिकॉज ना हाईलाइट किया ना कुछ, आप करेक्ट मान के सीधा ऑप्शन को अटेम्प्ट करोगे, आगे बढ़ जाओगे। एग्जाम टाइम है तो खासकर, तो इस पर खासा ध्यान रखना है आपको कि क्या पूछा आपसे, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, राइट। सो DPSP ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। नो, दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई डिवीजन नहीं करता है। तो हमने अपनी ईजी के लिए हमने कर रखा है, लाइक लक्ष्मी कांता को उठाते हो तो वहाँ पे बांट रखा होता है ना 3 पार्ट्स में, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स का जरूर उन्होंने 6 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, बट DPSP का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, और हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट बनेगी बिकॉज इनकरेक्ट पूछी हुई है। Next, the DPSP related to cooperative society under Article 43 of Indian Constitution is taken from Nehru's Objective Resolution of 1946. No, this is also incorrect. Because cooperative society वाला बाद में एक amendment से add किया हुआ है, logically भी आप इसको निकाल सकते थे, because Objective Resolution 1946 पे आया है और इसी के basis पे हमने DPSP को बनाया हुआ है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो अपना आर्टिकल था, इसको हमने इनफैक्ट बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू भी ऐड किया है फंडामेंटल राइट के अंदर भी, काफ़ी जगह पर भी। तो अगर कोऑपरेटिव इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही उठाना होता तो पहले ही डाल देते, अमेंडमेंट की जरूरत ना पड़ती, राइट। ऑल्दो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या लॉजिक बताना चाह रहा था। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी सी बिकॉज बोथ इनकरेक्ट, राइट। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे आपको एक पैटर्न दिखना जाएगा। पैटर्न इन द सेंस कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से ऑप्शंस को सेट किया जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है आप देखना, क्योंकि क्वेश्चंस इसी हिसाब से सेट किए जा रहे हैं। एनालिटिकल थोड़ा सा बनाने की ट्राई कर रहे हैं वो, कि क्वेश्चन अगर टफ है तो ऑप्शन को, क्वेश्चन टफ है तो ऑप्शन ईजी है, ऑप्शन ईजी है तो क्वेश्चन टफ है, वाइस वर्सा, दोनों ट्रू है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली in the correct, arrange the following events performed by the Constituent Assembly in the correct sequence. क्रोनोलॉजी पूछी हुई है इसकी, कि चार स्टेटमेंट दे दी, कौन सा पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा बाद में, कौन सा बाद में, लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पर देखो चार आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर आपको चारों की डेट्स पता है, एग्जैक्ट डेट्स, तो वेरी 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 गुड, बट आपको नहीं पता स्टिल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक ना एक डेट जरूर याद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लॉजिक से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर आप सीधा फोर्थ ऑप्शन पे आओगे ना, नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सो वी ऑन लो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से बहुत पहले ही आ गया था, इसी के इनफैक्ट इसी को इंस्पिरेशन से बनाया हुआ है, राइट। डीपीएसपी को इसी इंस्पिरेशन, सॉरी प्रीएम्बल को इसकी इंस्पिरेशन से बनाया हुआ है, राइट। सो हमें इतना पता है कि ये आया है 1946 के अराउंड, तो सबसे पहले तो यही है, क्योंकि बाकी सारे फर्स्ट स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के बाद हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले ही आ गया था। सो उसके बाद नेशनल फ्लैग बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अप्रूव्ड कंपोनेंट ऑफ मेंबरशिप, ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद ही हुई हैं। तो सबसे पहले तो हो गया अपना फोर्थ ऑप्शन, और जैसे आप ऑप्शंस पे जाओगे आंसर तो आपको मिल जाएगा सी, बिकॉज यही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो फोर्थ पहले है। बट स्टिल वी शुड नो द करेक्ट डेट्स ऑल्सो, बिकॉज ये क्वेश्चन दोबारा अगले साल भी आपसे पूछा जा सकता है किसी और फॉर्म में। ओके, सो इन सब की डेट्स एक बार फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। सो अगर फर्स्ट स्पीच की बात करें अंबेडकर जी की, तो ये आई थी 4 नवंबर 1948, राइट। देन नेशनल फ्लैग वाली डेट कब अडॉप्ट किया था हमने, ये इंडिपेंडेंट होने से पहले ही कर दिया था, 22 जुलाई 1947, राइट, 1947। देन मेंबरशिप, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को अप्रूव करिए, राइट, ओके, सेकेंड, ओके। सो नाउ ये चीज़ जो है अपनी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब अप्रूव करिए, दिस विल बी योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप किस एग्जैक्ट डेट को अप्रूव करी है, राइट। क्यों दे रहा हूँ आपको होमवर्क, सो दैट आपको चीज़ें याद रहें। आप खुद सर्च करोगे, खुद टाइप करोगे, दैट डेफिनेटली चीज़ें याद होती हैं अच्छे से, राइट। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड गिविंग दिस एज अ होमवर्क। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C. Now let's go to the next question. Okay. See here. फिर से हमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक और क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से था। अब यहाँ पर आपसे कमिटीज पूछी हैं। ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्रिपेयर भी करके जाते हैं। जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाएगा कि कमिटीज़ के चेयरमैन कौन कौन थे, राइट। यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, कि जो ऑप्शन आप देखोगे ना सेट किए हुए, जो यहाँ पे वही जो इस साल यूपीएससी ने जो की है उसी के बेसिस पे इन्होंने लेकर आए। इससे क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, डिफिकल्ट हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर आपसे पूछा है ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। यहाँ पे लॉजिकल एलिमिनेशन वाली जो चीज़ है वो साइड हो जाती है। उसकी बजाय आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, राइट, तभी चीज़ें बात बनेगी, वरना दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में। तो ये डिफिकल्ट बना दिया, क्वेश्चन अगर ईजी है तो ऑप्शन टफ कर दिया उन्होंने। वहीं यूपीएससी में जैसा कर रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं एचसीएस भी ट्राई कर रहा है, राइट। बट डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए पेपर का एनालिसिस होता है, ऐसे इसी यही एनालिसिस हेल्प करता है आपको। आप एनालाइज करो एंड अकॉर्डिंगली अगर आप प्रिपेयर करोगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रीलिम्स को क्लियर करना उतना टफ नहीं रहेगा। ऑलराइट, दैट इज़ द रीज़न आई से कि प्रीवियस ईयर पेपर आर योर की। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद बढ़ो। सिलेबस बाद में, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर पेपर। सिलेबस पढ़ के भी चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती जितनी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद आती हैं, राइट। ओके, सो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमसे पूछे इन सब कमेटी के चेयरपर्सन कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यूनियन पावर कमेटी इसके चेयरपर्सन, नो दिस इज रॉन्ग, कौन थे? नेहरू थे इसके चेयरमैन, इसके चेयरपर्सन कौन थे? नेहरू। सो अगर ऑप्शन पे, अगर ऑप्शन पे भी जाएं तो ऑल फाइव पेयर्स, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक तो गलत है ये, राइट। देन कम्स फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जेबी कृपलानी, यस दिस इज करेक्ट। माइनॉरिटी कमेटी, एचसी मुखर्जी, यस दिस इज करेक्ट, राइट। तो दो तो पेयर है ही है, करेक्ट। देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, वल्लभ भाई पटेल, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो थ्री पेयर्स आर डेफिनेटली करेक्ट, राइट। थ्री पेयर्स करेक्ट हैं। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे चाहे ना भी जाओ, राइट, अगर आप ऑप्शन पे जाओ तो ओनली वन पेयर, नो दिस इज गया, क्योंकि तीन तो है ही है, तो या तो थ्री होंगे, राइट, और ऑल फाइव पेयर्स है नहीं, और ओनली फोर पेयर्स ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आंसर तो इसका आ गया सी, राइट। और ये क्या है अपनी, ये वाली जो स्टेटमेंट है लैंग्वेज कमेटी, ये क्या है? रॉन्ग, इसके जवाहरलाल नेहरू जी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट, राइट। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट। और यहाँ से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये तीन कमेटी इंपॉर्टेंट है, अब आपका क्या टास्क बनेगा इसके बाद कि जितनी भी कमेटीज़ हैं वो सारे की सारी आपको अगर गो थ्रू करनी है, उनके चेयरपर्सन कौन कौन थे, यू नीड टू गो थ्रू देम एंड रिमेंबर देम, राइट। ये आपका टास्क बनेगा। उसका भी तरीका है करने का, अगर आप एक दो बार उसको एनालाइज करो आपको पैटर्न दिख जाएगा उसके अंदर भी कि लाइक कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं उनके हेड तो याद करने हैं, उसके अलावा मोस्टली कई सारी कमेटीज़ के आप देखोगे चेयरपर्सन नेहरू जी मिलेंगे आपको, पटेल मिलेंगे आपको, बहुत सारी कमेटीज़ के चेयरपर्सन, तो वो पैटर्न अपने आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो कमेटीज़ है यू नीड टू गो थ्रू देम कि हु ऑल आर द चेयरपर्सन ऑफ दीज कमेटीज़, दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अगले साल भी, इस साल भी अपने हमने एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपसे। ओके नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, अब यहाँ पर जब बिल ऑफ राइट्स पूछा है, ये वैसे आप हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हो, इसको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हो, बट मैंने पॉलिटी में भी ले लिया इसको बिकॉज ये मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, राइट, 1928 के अंदर, 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये बेसिकली उसका क्वेश्चन है, वहाँ से पूछा हुआ है आपसे, बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीज़न मैंने इसको पॉलिटी में भी इन्वॉल्व कर लिया। ओके, नाउ द मोतीलाल नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड अ बिल ऑफ राइट्स इन 1930, नो दिस इज इनकरेक्ट। अब अगेन यहाँ पर आओ, देखो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अब इज इनकरेक्ट। सी, इनकरेक्ट पूछी आपसे, करेक्ट नहीं पूछी, तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट देन, क्योंकि ये 1928 में है ना कि 1930। अब बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स, अब बिल ऑफ राइट्स था क्या बेसिकली? ये फंडामेंटल राइट्स के लिए इंस्पायरेशन था। बिल ऑफ राइट्स वाज इक्वलेंट टू फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। अब बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंश्योर अ रेमेडी इन केस देयर इज अ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स, ओके। सो दिस इज करेक्ट, ये फंडामेंटल राइट्स की बेसिक डेफिनेशन है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट। अब जैसे ही आपको सेकंड स्टेटमेंट मिलगी करेक्ट, आपसे पूछे इनकरेक्ट, तो जहाँ जहाँ पे टू होगा वो कुछ आपका ऑप्शन तो नहीं हो सकता, राइट। सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर, दिस कैन नॉट बी योर आंसर, एज वेल एज दिस कैन नॉट बी योर आंसर। सो ऑप्शन तो बच गया आपने पास डी, राइट, तो डी करेक्ट होगा। बट स्टिल लेट्स सी द स्टेटमेंट, गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, नो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यस। आज की डेट में इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स जो हमने खुद बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर तक हमने क्लॉज ऐड कर रखे कि यस गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उस टाइम पे तो कहाँ से कर दोगे? लॉजिकली भी इसको इनकरेक्ट बता सकते थे आप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर लैप्सिंग ऑफ बिल्स पे क्वेश्चंस है, राइट। सी, हम जो टॉपिक क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, आई एम कंसीडरिंग कि यस आपको बेसिक पॉलिटी की नॉलेज है, अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी कुछ कुछ वीडियोज़ लेके आऊँ, राइट, सेपरेट वीडियोज़ इफ़ यू वॉन्ट, देन प्लीज़ डू राइट दैट इन कमेंट सेक्शन एज वेल। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर इन टॉपिक्स पे ही वीडियोस चाहिए, हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर थोड़ा इशू आ रहा है, प्लीज़ उस पर भी प्रिपेयर करके हमें एक बार दे दीजिए, वीडियोस दे दीजिए, राइट। सो आई कैन डू दैट ऑल्सो फॉर यू इफ़ यू वांट, बट उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओनली, देन अदरवाइज हम MCQ सेशन का जो हमारा सेशन है इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट, ओके। अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज देयर ऑफ, ओके। अब लैप्सिंग में पूछा हुआ है कि बिल जो डिसोल्यूशन जो हाउस होती है, तो जो बिल का क्या रहता है भाई, एक हाउस है, मान लो दो हाउस है अपने लोकसभा राज्यसभा, दो हाउसेज हैं, देन असेंट पे जाती है प्रेसिडेंट के पास। तो अगर मान लो एक ही हाउस में बिल पास हुआ, फिर सेकंड हाउस में जाए, और अगर हाउस क्या होगा डिजोल्व हो गया, तो उस केस में क्या होते हैं, इस टाइप की कंडीशंस पूछी हैं आपसे, राइट। देन अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट विच हैज़ बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। सी, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पॉइंट आउट कराऊंगा मैं अभी आपको कि अगर आपको तीनों स्टेटमेंट मान लो नहीं याद आ रहा, इन केस आप फॉर यू आर फॉरगेटिंग, आप लॉजिक भूल रहे, एग्जाम टाइम में थोड़ा स्ट्रेस तो होता है, स्टिल क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, कहीं ना कहीं से कुछ लॉजिक निकल आएगा। अभी दिखाता हूँ आपको। अब बिल विच इज पेंडिंग इन द, अब जैसे इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप, फर्स्ट स्टेटमेंट को, अब बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर शैल लेफ्ट बाय द रीजन ऑफ प्रोरोगेशन। अगर प्रोरोगेशन हो जाए तो जो बिल है वो लैप्स हो जाता है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हम सबको पता है कि अगर प्रोरोगेशन हो जाए या फिर इनफैक्ट एडजर्नमेंट भी हो हाउस की, या फिर प्रोरोग हो जाए, एडजर्नमेंट हो जाए, उस केस में बिल लैप्स नहीं होता, बिल सस्टेन रहता है। जब दोबारा हाउस होता है तो बिल उसके अंदर फिर पास होने की असेंबली के अंदर फिर से आता है, राइट। सो ये स्टेटमेंट क्या होगी अपनी, इनकरेक्ट। और जैसी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है इनकरेक्ट, आपका ये स्टेटमेंट गई क्योंकि करेक्ट पूछी आपसे, ये भी गई। अब आपके पास बचता है बी और डी, राइट, दो ऑप्शन बचते हैं। और बी को अगर आप देखो तो टू करेक्ट है, आपके पास आ जाती है बात सारी थर्ड पे कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। इस वे में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट प्रोवाइडेड इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए भी ना आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए, कि आपने सिलेबस पूरा कवर करा होना चाहिए, कि आपने चीज़ों को अच्छे से एक बार पढ़ा जरूर होना चाहिए, रिवाइज जरूर किया हुआ, चीज़ों को पूरा कवर किया हुआ, तब जाके यहाँ तक पहुँचता है, तब जाके ये एलिमिनेशन वाली चीज़ आपको क्लियर होगी, आप पहुंच पाएंगे, लॉजिकली चीज़ों को डिड्यूस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई प्रोरोगेशन के ऊपर या फिर एडजर्नमेंट के ऊपर बिल जो है वो लैप्स नहीं करता, ओनली देन आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे, वरना ये एलिमिनेशन नहीं हो पाएगी, राइट। ये बेसिक डाउट क्लियर होने चाहिए, बेसिक टॉपिक्स आप क्लियर होने चाहिए। अब ये वाला जो टॉपिक है ये कहाँ से आया है, पार्लियामेंट से आया है, राइट, ये अगेन पार्लियामेंट से आया है। सी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में जो लिस्ट दी है ना, यू योरसेल्फ विल सी नाउ कि यस उन्हीं टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट, दिस इज करेक्ट। देन अ बिल विच इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट और विच हैव बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ओके कैसे है अभी बताते हैं आपको। सी हियर, जस्ट सी अ बिल पेंडिंग इन द असेंबली। यहाँ पर मैंने सारे वो वाले केसेस लिख दिए हैं कि जब बिल कब लैप्स होगा और कब नहीं लैप्स होगा, राइट। अ बिल पेंडिंग इन द असेंबली वेदर ओरिजिनेटिंग इन द असेंबली और ट्रांसमिटेड टू बाय द काउंसिल। सी द थिंग इज, मैं आपको लॉजिकली अगर बताऊं कि दो हाउस हैं, फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस। पहली चीज़ सबसे सिंपल चीज़ कि अगर फर्स्ट हाउस से ही पास हो गया, सेकेंड हाउस से ही पास हो गया, उसके बाद वो गया प्रेसिडेंट के पास, राइट। अगर स्टेट में तो गवर्नर के पास जाएगा, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो, राइट। फर्स्ट हाउस से गया, सेकंड हाउस से गया, उसके बाद गया प्रेसिडेंट के पास। पहले उसी केस को कंसिडर करते हैं। तो उस केस में अगर हाउस हो गया डिसॉल्व, राइट, दोनों हाउस से लेकिन बिल हो गया था पास और सीधा तीसरी सीट पे चला गया, अगर उस केस में भी हाउस हो गया डिसॉल्व तो डेफिनेटली बिल लैप्स नहीं होगा, राइट। उस केस में बिल लैप्स नहीं होने वाला क्योंकि दोनों हाउस से पास हो गया, राइट। उसके बाद वो वाले केस आते हैं कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, मान लो फर्स्ट हाउस से पास हो गया, सेकंड हाउस में गया, लेकिन फर्स्ट हाउस क्या हो गया डिसॉल्व, लाइक लोकसभा से पास होकर चला गया, फिर गया राज्यसभा के पास, राइट, और लोकसभा होगी डिसॉल्व, तो उस केस में बिल डेफिनेटली उस केस में भी क्या होगा, लैप्स होगा, राइट। इस टाइप के केसेस है। बाकी एक बार यहाँ से देख लेते हैं, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दोनों हाउस से पास होने के बाद अगर प्रेसिडेंट के पास जा रहा है उस केस में बिल लैप्स नहीं होगा, और अगर वो प्रेसिडेंट के पास गया, राइट, और प्रेसिडेंट ने वापस हाउस के पास रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया, उस केस में भी क्या बिल लैप्स नहीं होगा, उस केस में बिल लैप्स नहीं होगा। कुल मिला के जब दोनों हाउस से पास होने के बाद जो भी काम हो रहा है बिल के साथ, उस केस में बिल लैप्स नहीं हो रहा। जब दोनों हाउस से पास होने के बाद हाउस अगर डिसॉल्व हो रहा है, दोनों हाउस से पास होने के बाद बिल अगर हाउस डिसॉल्व हो रहा है तो उस केस में बिल लैप्स नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बाकी सारे केसेज हैं वो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, राइट। अब बिल पेंडिंग इन द असेंबली वेदर असेंबली और ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल लैप्सेस, राइट। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको कि किस केस में बिल लैप्स हो रहा है और किस केस में बिल लैप्स नहीं हो रहा। ओके अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँ ना इस चीज़ को याद रखने की, किस केस में लैप्स हो रहा है किस में नहीं, तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए डिसॉल्व क्या होगी, लोकसभा। राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व होती नहीं है, राइट। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन किसका खेल होगा, लोकसभा का। तो अगर लोकसभा जो है कोई बिल अगर लोकसभा में क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, राइट, मतलब लोकसभा से अगर कोई बिल हो गया पास, राइट, चाहे वो वहाँ से ओरिजिनेट होए चाहे ना होए, लेकिन वो राज्यसभा में अभी पेंडिंग है। राज्यसभा में क्या है, अभी वो पेंडिंग है। राज्यसभा से अगर वो पास नहीं हुआ, राइट, लोकसभा से गया आगे राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है वो, और इतने में लोकसभा होगी डिसॉल्व, तो ऐसे सारे के सारे बिल तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, पास हो, सॉरी लैप्स हो जाएंगे। ऐसे सारे के सारे बिल हो जाएंगे लैप्स, राइट। लेकिन अगर कोई बिल राज्यसभा में हुआ था ओरिजिनेट, राज्यसभा में अभी है पेंडिंग है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वहीं पे पेंडिंग है, अभी लोकसभा में गया ही नहीं था वो, तो वो वाला बिल डेफिनेटली लैप्स नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो भी गई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी लोकसभा में गया ही नहीं है वो। कुल मिला के वो वाले सारे बिल जो लोकसभा के अंदर से आए और राज्यसभा में पेंडिंग और इतने में लोकसभा होगी डिसॉल्व, वो वाले सारे बिल होंगे लैप्सेस। यहाँ पे देखते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल दिस, सी अ बिल पास बाय द असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल, राइट, असेंबली से पास हो गया बट काउंसिल में पेंडिंग है, तो वो डेफिनेटली हो गया लैप्स। सी है, अ बिल पेंडिंग इन द असेंबली वेदर ओरिजिनेटिंग इन द असेंबली और ट्रांसमिटेड टू बाय द काउंसिल, दिस विल आल्सो लैप्स, राइट। यहीं पर ओरिजिनेट हुआ लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं अभी, इससे पहले लोकसभा में हो गई डिसॉल्व, तो ऑब्वियसली लॉजिकली भी वो बिल होना चाहिए लैप्स, राइट। सो ये हो गए लैप्स। कौन कौन से नहीं लैप्स होंगे, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास बाय द असेंबली, अभी राज्यसभा के अंदर ही है वो, लोकसभा में गया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वाला बिल भी क्या होगा, लैप्स नहीं होगा, राइट, क्योंकि इतने नई लोकसभा आएगी तो इतने वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद, सो दिस विल नॉट लैप्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, राइट। अ बिल पास बाय द असेंबली और पास बाय बोथ द हाउसेज बट पेंडिंग इन द असेंट ऑफ गवर्नर, यस दिस विल नॉट लैप्स, बताया ना मैंने, राइट। अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यस दिस विल ऑल्सो नॉट लैप्स, राइट। A bill passed by the assembly but returned by the president for the reconsideration of the house does not lapse. Yes, this will also easy. So I hope आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन सा बिल लैप्स होगा कौन सा नहीं होगा। Okay, now we will see the last question for the day. आज के लिए यही लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्लास को ओवर कर देंगे, राइट। बाकी सारे रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अब जो क्वेश्चन है आपसे वो क्या पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें से आपको बतानी है कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन कौन सी नहीं है, राइट। कौन कौन, अभी ऑप्शन आपसे पूछ रहे हैं कौन सी है बेसिकली। फर्स्ट, अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, सी हेयर। इन चीज़ों पे ध्यान रखा करो, बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं कि, राइट। ओके, सो यस दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी डेफिनेटली। इनफैक्ट जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी अपनी वो यही इंट्रोड्यूस करी थी टू एन अमेंडमेंट ऑफ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, इसके थ्रू इसको ऐड किया गया था, राइट। All right, then to provide early childhood care for all children until they complete the age of 6 years. No, this is not a fundamental duty. This is what? This is a DPSP. ये क्या है? DPSP. Article 45 के अंदर है ये। 0 to 6 years जो है education provide करने वाली बात कहाँ पर है? वो DPSP में, right? So this is an incorrect statement. This is correct. Okay. अब जैसे ही हमें ये मिल गया और ये incorrect मिल गया, अगर options पे जाते हैं, राइट, सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो जहाँ जहाँ पे सेकंड होगा वो क्या होगा, अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। सो एक गया। ओके चलो बाकी भी देखते हैं फिर। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, यस दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी डेफिनेटली। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, यस दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। सो 1, 3 and 4 ऑप्शन तो अपना मिल गया, बट एक बार 5th भी देख ले। तो प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर टू, नो दिस इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। इनफैक्ट ये कहीं पर भी ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। DPSP के अंदर भी ऐसा कुछ BPL वाली चीज़ नहीं लिखी हुई, वहाँ पर हेल्थ केयर की बात ज़रूर करी हुई है लेकिन ऐसे BPL वाली कोई बात नहीं है, राइट। सो ऑप्शन क्या है इसका, B। एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सारी देख लेते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड रिमेंबर दीज ऑल ड्यूटीज़। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की अच्छी ज़रूरत है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू स्टिल फील, राइट, कि इफ़ यू वांट कंप्लीट कवरेज, अगर आपको कंप्लीट कवरेज चाहिए, राइट, प्रीलिम्स के लिए पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए कि मेरे को सारे टॉपिक्स मिल जाएं, मेरे को टेस्ट सीरीज मिल जाए, सब कुछ प्रॉपर एक ही जगह पर, मेरे को कहीं ना जाना पड़े। सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विद अभिमन्यू IAS, राइट। सो जस्ट लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सी, अभिमन्यू IAS ने आपके लिए एक स्पेशली HCS प्रीलिम्स के लिए हमने एक फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च कर दिया है। इट इज़ एन ऑफलाइन कम ऑनलाइन बैच, दोनों मोड्स में अवेलेबल है ये, राइट। लाइव बैच भी चलेगा ये, एंड यू कैन ऑल्सो गेट द रिकॉर्डेड क्लासेस, राइट। कंप्लीट पैकेज है ये प्रीलिम्स के लिए, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। आपका क्लासेस, स्टडी मटेरियल, राइट, पीडीएफ, आपके डेली बेसिस पर टेस्ट कंडक्ट करे जा रहे हैं, वीकली टेस्ट, राइट, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। यू कैन गेट द मेंटरशिप, आपको डायरेक्ट गाइडेंस। इनफैक्ट आई ऑल्सो टीच देयर, राइट, मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ पे भी आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स है यू कैन टेक इन द क्लास इटसेल्फ, राइट। एंड फर्स्ट द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर आपको डायरेक्शनलेस नहीं होना जाएगा कि आपको वी विल इंश्योर दिस थिंग कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे, आप सही पाथ पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे, राइट, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे कहीं ना कहीं अपना। एंड वन द अदर थिंग इज कि टाइम ज़्यादा नहीं है, इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि 75 डेज़ के अंदर आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट होए, आपकी सारी प्रिपरेशन भी होए। यस, डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क भी करना ही करना है, बट एक स्मार्ट वर्क नाम की चीज़ होती है। इस कोर्स के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करी है कि आपका टाइम के अंदर अच्छे से चीज़ें मैनेज होए, आपकी कंप्लीट कवरेज होए। एंड वी विल मेक एंश्योर कि अपना पूरा फुल एफर्ट देंगे हम कि आपका प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर हो, राइट। एचसीएस प्रीलिम्स इज द की, पहली स्टेज वही है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज वही है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी उसी स्टेज में ही होता है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव डिजाइन दिस बैच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस बैच यू कैन कॉल ऑन टू द सपोर्ट नंबर प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर सपोर्ट नंबर प्रोवाइड है, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक भी इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, जहाँ पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। द फीस इज शोन ऑन द स्क्रीन, 35,000 इज द फीस, राइट। हमने पहले 45,000 थी, इसको कम करके आपके लिए डिस्काउंट के ऊपर हमने इसको 35,000 में लॉन्च कर रहे हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन सपोर्ट नंबर, राइट। With this, I wish you good luck for your future endeavors. Until our next video, take care and bye-bye. Thank you.